कंटीन वाला जो प्रोग्राम हो रहा है और जो कंटीन का जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि इस धरना प्रदर्शन से होगा क्या? इस धरना प्रदर्शन से जो भी हो रहा है, हम आज तक 7 सालों से जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका हमें क्या बेनिफिट मिला आज तक? क्या एक भी मांग हमारी पूरी की गई है? क्या एक भी आदमी वहां पर इस तरीके से स्थिर बैठा हुआ है, स्थिर खड़ा हुआ है कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 या 1,00,000 आदमी खड़े हुए और खड़े ही रह जाएंगे? क्या ऐसा हुआ है कभी? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग एट्रोसिटियां झेल रहे हैं, अपने ऊपर अपनी माँ बहनों की आत्माएं दबा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं उसमें? हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं, एक दिन का आंदोलन कर रहे हैं और चुपचाप बैठ करके अपने घरों में मक्खन लगा करके रोटियां खा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? अगर हमें आंदोलन कर रहा है भारती जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे बहुत नियरेस्ट हैं और आप पूरे देश में एक आंदोलन इस तरीके से कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पे होता है, मैं आपको उसके लिए सलूट करता हूं और अप्रिशिएट भी करता हूं कि आपकी पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है। पर मेरा मानना यह है कि अगर हम 20 तारीख को या 17 तारीख को, मैं पहले 17 वालों के लिए कहूंगा कि 17 तारीख को जो आप आंदोलन कर रहे हैं तो कृपया 20 तारीख तक उठे ना वहां से। जितने भी आपके लोग हैं, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500, मुझे नहीं लगता कि 500 या 1000 आदमियों से ज्यादा आएंगे वहां पर, पर जितने भी हो, अगर 2 आदमी भी हो या 5 आदमी भी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्राम में आऊं अगर मैं सहारनपुर नहीं गया तो। और मैं जब तक वहां खड़ा रहूंगा, और मेरी आदत ये भी है, यहाँ पर मीडिया कर्मी भी है और बहुत से मेरे साथी भी है, उन सबको ये बताया कि जब तक टेंट वाला अपना टेंट नहीं उठाता मैं वहां से हटता नहीं हूँ। ये मेरी खासियत है। तो मेरा आप दोनों लोगों से अनुरोध ये है कि आप प्लीज कोई भी आंदोलन करें, उस जगह ऐसे बैठे रहें जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। और इस बात की गारंटी है, भूखा कोई नहीं मरेगा, प्यासा कोई नहीं मरेगा।